इसमें फिंगर्स का अभी से बिरयानी से उसको आ रही है ज़बरदस्त वाली। और मैंने सिर्फ इनके छिलके रिमूव किए। अच्छा जरूरी होता है रिमूव करना। अब इसकी हम बुनाई करेंगे और इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे जिसमें सिर्फ काली मिर्च और गर्म मसाले जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे। अच्छा गर्म मसाला गर्म मसाला ना पानी रख लो ना चावल और मुझे लग रहा था चावल इसी में बॉईल करने थे तो थे लेकिन अभी कोनो बन जाएगा तो उसको शिफ्ट कर दीजिएगा। हाँ, तो वो उसमें मैं राइस करी कर दूँगी। बाजी रायता बना रही हैं उनको भी देख लें। जबरदस्त मज़ेदार लग रहा है ये बहुत। थैंक यू। नहीं है क्योंकि इसमें वाटर वाटर आ गए हैं ना आलू गल जाएंगे। ऊपर से गार्निश अभी से भूख लग रही थी लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह से। बस अब ये स्लो से पकता रहेगा, लास्ट में हम इसमें मिर्ची डालेंगे जब तक इसको ऑयल ऊपर ना आ जाए और गोल जाए। वो इसमें क्या क्या डाला है? पानी इसके साथ इमली डाली है तो अब ये सारा पानी आपको ड्राई करना पड़ेगा हल्का सा क्योंकि गोश्त बहुत ठीक है। कवर करेंगे इसको नहीं अभी और पानी डालोगे मेरे ख्याल से तंजीला इसमें हो जाएगा ज्यादा कितना गोश्त है। ओके माय गॉड आई एम नॉट बनिंग अम्मा। ओके आई एम नॉट बनिंग अब्बा। मैं अब्बा भी नहीं बन सकती। मजेदार सा रायता तैयार है। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ एक रायता बनाया उसमें भी नमक ज्यादा डाल दिए। बातें सुन लो इनकी। अब हम बनाएंगे नहीं होगा उनके पास पूछ लो हो सकता है उनके पास ये भी निकल ही आया था फूड कलर। यस वाओ आपको आधा खेलना यार वो बहुत मजे का लग रहा है। इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया की साइड में और होते हैं।
कर दी उनकी कट, इधर कटिंग सेरेमनी चल रही है। यहाँ पर अब हमारे जो सीनियर शेफ है वो कबाब फ्राई करने लगे। सही बने क्या ट्रे देना कबाब आप कैसे बनाते हैं? मुझे अंडे डायरेक्ट फ्राई करते हैं। नमक ऊपर से छड़क दूंगी यार, मैंने नहीं है को भी प्रिंसिपल लगने वाली है, बस अप्लाई कर ये ना क्या बाकी भी लग जाए। नहीं यार मजाक कर रही है। ये देखे इतना क्यूट लग रहा है, बारीक करो ना। क्या और बारीक करूँ? अदरक डालो डालो, मैं सही बना रही हूँ वीडियो, आप डालती जाइए, आप टेंशन ना लीजिए। इसको सही हम कितने सुधर है। देखिए मैं भी किसी से करूँ, मैंने कबाब जी से किया। नीचे देखो, नीचे देखो। जो जिनके घर हम आए ना उनकी मेहनत में शक करते चले जी। आ जाओ जल्दी से बनाओ। ये देखें जी, ये भाई के लिए और ये बहनों के लिए। ये भाई के लिए और ये बहनों के लिए। सुनो प्लेट से नहीं निकालती हो तुम, छोटी प्लेट से। ये वाला चमचा सही था तो इसलिए मैंने चला। बीफ कढ़ाई, कबाब, सैलेड और ये है रायता। और क्या चीज़ इसमें? रोटियाँ और हाई हैंड वो साबुन नहीं, पता नहीं वो डिब्बे में इसमें क्लीन कर। ये खाना खाने के बाद की सिचुएशन। इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं और सामने बादल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मोर भी है देखो, कहाँ है मोर की आवाज आ रही थी काफी देर से ना। ये सामने कितने अच्छा पार्क है, नीचे बैठे यार वो सामने झूलों पे चले। हाँ यार कितने अच्छे लग रहे हैं ना, नीट एंड क्लीन। हाँ चले चल चलते हैं, फिर ऊपर आके केक खा लेंगे। जब एक ही दफा खा के जाएंगे एक दफा चलते हैं और झूले लेके उसके बाद घर चले गए।
मुझे मोर नहीं नजर आ रहा, मुझे मोर साइड से बोलो ना, दिख रही मोर की पीछे नीचे। अरे हाँ वो रहा कोने में, कोने में बिल्कुल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख इसको एक पत्थर मारो तो आगे ही हिले। यार मैं तो इस जगह पे घंटों गुजार दूँ सुकून से। यार ये तो सुकून है। टॉप फ्लोर वाले कैसे यार, इनकी टॉप फ्लोर पे चली गई है ना, 15 फ्लोर है, उड़ जाऊंगी, उड़ के घर पहुंच जाऊंगी। पूरा कराची दिखता होगा यार, दिखता होगा। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो ऊपर चलते हैं। मैं कभी भी 15th फ्लोर पे नहीं गई, कभी भी नहीं गई। केक खा लेना हम, उसके बाद बोल दीजिएगा। और फिर जोरा चाय बनाएगी ना जी, बिल्कुल। चाय भी पी के जानी है, गोरी चाय पिलाओगी हमें। दिस इज टू मच गोरी चाय। ऐसी चाय से रिश्ते नहीं आते, मेरा भी एक रिश्ता चाय की वजह से मना हुआ था। मुझे कौन थी डाली है तो आपने ना, वो जो आंटी लेकर आई थी तो वो कह रही थी लड़की को तो चाय नहीं बनानी आती, लड़की को क्या चाय कैसे बनाते, ये टूट गया वो। अच्छा मैंने तो पहले मैंने कहा ऐसी चाय थी वो, अभी मैं पिक्चर्स में देखती हूँ अक्सर लड़कों ने बोला कहते थे ऐसी चाय बनाए तो बंदा वापस ही बहुत हो गया। ऐसी चाय बनाई जब वो है जो आप नहीं नहीं बाहर रखो बाहर रखो यार, ये मुझे बार बार ये मुझे पता है क्या लिया मैं घर के लिए। यार मुझे मंगता कह रही है, ये बर्फ बना है बर्फ। सही है, आओगे ना तुम टोपी तो नहीं कराओगी, तुम आप भी आएंगी ना यार अक्टूबर में ना, मई में नहीं होंगी तो दिसंबर में आएंगे। लेकिन मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, किस बच्चा अपने सर पे बैठ रहे बस डन है अक्टूबर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाम का वक्त हो गया और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। खूबसूरत तरीन यहाँ, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद। अब हम यहाँ पर बैठ के चाय पियेंगे, चाय नोश फरमाएंगे। लड़की तो बहुत सुगंध लग रही है, मेरी शक्ल लगती है, मैंने पहले कहा था अम्मा लड़की तो बहुत सुगंध लग रही है, कभी भी लेके नहीं आऊंगी। कभी लेकर नहीं, नहीं वैसे मिलने आती तो इतनी मुस्कुराती है। नहीं भाई जाती मैं जाती हूं पिक्चर लेने, बस 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 आधा नीचे लुढ़का रही हो तो कैसे आ रही हो कितनी सुगंध लड़की है ये माशाल्लाह। पछतो में बोले ना इसको थोड़ी पछतो। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह भाई वाह, केक के साथ अति अचार हो गया। वो चमचे लौकरा में लाना भूल गया भाई। आपका हम रिश्ता देखने आए और आप हम इसे काम करवा रही हैं। यहाँ पर देखिए केक की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। नहीं अच्छी आ रही ना, किधर आ गया।
ये लीजिए, थैंक यू। अभी मुगी आपको दूँ, ये लो अभी मुगी ले लो। तुम्हें मिल गई फरा? हाँ मुझे। एक और प्लेट लाओ मिस उज़्मा की, जाओ। जोरा इधर ही खा लो, घर नहीं लेके जाना, तुम शादी में थोड़ी आई हो कि छुपा के तुम घर लेके जाओ। कभी कभी तुम लेके गई शादी में छुपा? हाँ मैं भी। कैसे? मैं फ्राइड फिश लपेट के पर्स में आ गई। मैंने दो फ्राइड फिश डाले। हां मैंने भी बोंटोंस डाले थे, बोंटो तो वो ब्रेड रोल था। लास्ट में ये देखें, ये सारा केक सारा ने खाया है। सारा तोड़ निकल आएगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सी फोर बाई टू आ रहे हैं, सी फोर बाई टू ब्लॉक सी के बाहर खड़े हो जाए। ओह मतलब दबाई ना मिस पर। अब हमने कहाँ जाना है? ग्राउंड पे जाना है। मिस नताशा बटन दबा दे बाहर का। चलो तुम ग्राउंड का दबाओ, हमें तो जाने दो नीचे। हमारा एक पार्सल यही रह गया। चलो ग्राउंड आ गए। इनमें से एक लिफ्ट है, ग्राउंड दबाना, पहले बेसमेंट नहीं आती, जैसे दबाओ तो सामने दीवार है। हां ये लगता है ना उससे ये हालत ऐसी। ओ भाई हां ये आइए, ये अपनी फ्रेंड का वेट कर रहा है। फ्रेंड नहीं आई आपकी? अब तो रोने वाला हो रहा है। क्या हुआ? यार तुम्हारी गाड़ी तो है जोरा। अच्छा चलो अल्लाह हाफिज़। तो ये रहा जी आज का व्लॉग, यहाँ पर हम इसे एंड करते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बेहद खूबसूरत है कराची का। और आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।